प्रॉक्सी कह रहे हैं, एंड एन अ ब्लेम जिसको इंडियन न्यूज़पेपर्स में सर उठाया गया है, एंड माई फादर इज द ओनली मैन लेफ्ट एज एन एल्डर इन माई फैमिली, माई मदर पास्ड अवे व्हेन आई वाज जरा मैं आपको यहाँ रोक लूँ, अगर आप एड्रेस है जी ओके, आप MNA हैं ना? जी सर। और आप माशाल्लाह सेनेटर हैं सर। देखिए इस कौम को पार्लियामान बहुत अहम चीज जगह है, आप उनकी आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, आप नेशनल असेंबली में और आप सेनेट में, इस कौम को इस इदारे की जरूरत है और इस कौम को इस इदारे की भी जरूरत है। ठीक है, हम आपकी इज्जत करेंगे, करते हैं और करते रहेंगे इदारे के तौर पे, और उम्मीद है कि आप भी हमारी उतनी इज्जत ना करें तो थोड़ी कर लें। जो अगर हम एक दूसरे की इज्जत ना करेंगे तो हम आवाम मायूस होगी, और ना सिर्फ मायूस होगी बल्कि वो समझेगी कि क्या हो रहा है, हम आप पे उंगली उठाएं या आप हम पे उंगली उठाएं। जहां तक आपकी आपके पास प्रोटेक्शन भी है आर्टिकल 66 में, आप पार्लियामेंट में कुछ बात कर सकते हैं, वो आपके पास आईन आपको तहफ्फुज देता है, मगर जहां तक बाहर हो जरा अल्फाज का चुनाव सोच समझ के, अगर आपके पास कोई चीज है कोई बात करना चाहें तरीके होते हैं, मगर एक दूसरे को नीचा दिखाना कोई मेरे ख्याल में इसमें फायदा किसी हम आप हमारा फायदा छोड़ दीजिए, आवाम को नुकसान हो रहा है। मगर एक अच्छी बात है कि, और ये शायद मैंने पहली दफा कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग बात करते हैं कि ये भी तनकीद है कि भाई उन पर क्यों नहीं है, आपने भी शायद जिक्र किया, अगर आप अपना स्टेटस उनके बराबर करना चाहें वो एक दूसरी बात है, स्टेटस मेंबर नेशनल असेंबली और सेनेटर का मेरे ख्याल में आम शहरी से बहुत ऊंचा हो, तो जितना स्टेटस बड़ा होता है उतना इंसान को जरा मोहतात भी होना होता है और बात भी। अब वो सड़क की बात आपके मुंह से सुनी जाए तो जेब नहीं देगी, सड़क वाले को तो कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो कोई मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, जरूर बात करेगा, शायद बहुत बुरी बातें करे इससे ज्यादा, मगर आपसे हमें ये तवक्को नहीं है, और मैं तो इस ये ऐवान नहीं है तो मेरे ख्याल में एक तरह से मुल्क भी नहीं है, ये बहुत ही अहम ऐवान है, और आईन में भी कुछ बातें इंदराज हुई हैं जिसमें से फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यकीनन है, आर्टिकल 66 में आप पार्लियामेंट में बात भी कर सकते हैं, वो ज्यादा आप बात कर सकते हैं, आपका उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता, मगर जब पार्लियामेंट से आप बाहर निकलते हैं वो आपको तहफ्फुज आर्टिकल 66 का होता नहीं है, तो इसलिए हमने आपको नोटिस दी। और आप इनको शोकॉज दिया था शोकॉज नोटिस दिया था, तो आप लोगों की चले आप लोगों ने कंसिडर किया और आपकी अनकंडीशनल क्योंकि अपॉलोजी आ गई है, तो ये हम मामला आगे इसको मजीद नहीं ले जाएंगे, मगर ये इतना आपको कहेंगे कि आइंदा जरा ख्याल रखिए, क्योंकि अगर एक दफा होगा अगली दफा शायद ये रियायत ना मिले, तो अगर आप कुछ कहना चाहें क्योंकि आप लोगों शर्मिंदा हैं जो अल्फाज का चुनाव आपने किया है, और बस देखें हमारा दीन भी ये कहता है कि भाई जब कोई आदमी मान ले और फिर इकरार कर ले तो फिर उसको फिर उस पर नरमी रखना चाहिए, तो दीनी तकाजों के तहत, क्योंकि आपने भी शायद नोटिस के बाद कुछ रुजू किया उल्मा कराम से, उन्होंने भी शायद आपको यही मशवरा दिया था, तो ये हमारी आप कहना चाहते हैं सर। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा पूरे बेंच का सर, मैं अश्योरेंस आपको देता हूँ सर कि आपने कहा कि आप हमारी इज्जत करेंगे, आप हमारी थोड़ी सर, हम आपकी इज्जत 10 times ज्यादा करेंगे, हम आपको ये प्रूफ करके दिखाएंगे, आपके इदारे की भी करेंगे, और आपको इंशाल्लाह कभी ऐसा मौका वापस ऐसा फील भी नहीं होने देंगे। दूसरी सर मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये थी कि सर बीइंग ग्रेशियस आपका पूरा बेंच सामने आपके सर, आपने हमें और भी डायरेक्शन दी, इंस्पायर किया, शायद हमारी जिंदगी में वो सब काम आएगा। एक गुजारिश सर मेरी आपसे थी, आपने वो
बहुत अच्छी बात बताई कि मैं हमें उस लेवल पे नहीं जाना चाहिए जिसके हमने आपको हवाला दिया। लेकिन सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी सर आपसे, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं, इदारा हमारा बड़ा है, आप सब हमारे वैसे भी बड़े हैं। सर मुझे एक चीज की बड़ी बहुत कर्ब से गुजर रहे हैं सर, मैं और मेरी वालदा तो हयात नहीं रही, कि सर मुझे डायरेक्टली एक जज सर प्रॉक्सी कह रहा है, एंड अ ब्लेम जिसको इंडियन न्यूज़पेपर्स में सर उठाया गया, एंड माय फादर इज द ओनली मैन लेफ्ट एज एन एल्डर इन माय फैमिली, माय मदर पास्ड अवे व्हेन आई वाज। जरा मैं आपको यहाँ रोक लूँ, अगर आप शायद अगर आप ना बात कहते तो वो वहां तक बात पहुंचती नहीं। अब मैं किसी और के लिए तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं अपनी जात के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मगर अगर वो एक पहली बात नहीं होती शायद दूसरी बात नहीं होती। तो हम आपकी इज्जत और इदारे का एहतराम जैसे आप ज्यादा करेंगे, मुझे जातियात पे कोई इशू नहीं है, मगर जब जातियात जब इदारे से मुंसलिक हो जाती है ना, अब आप आज सेनेटर हैं कल नहीं होंगे, या आप एमएनए शायद कल ना हो, तो वो आप फिर आम शहरी हो जाते हैं, मगर आपकी कौम पे आपकी नजरें होती हैं क्योंकि आप एक एमएनए हैं और आप एक सेनेटर हैं। कौम की नजरें मुझ पे हो जाती हैं क्योंकि मैं चीफ जस्टिस हूं, मेरे साथी जजेस जज हैं, तो ये जरा फर्क हो जाता है। अब हमें हर बात को अच्छा हमें भी नहीं लगता है नोटिस लें, क्योंकि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में भी करते हैं, मगर कुछ मेरे ख्याल में कुछ बातें कुछ ज्यादा ही हो जाती हैं, फिर करना पड़ गया। और ये शायद मेरा तो ज़ाती तौर पे, मैंने पहली दफा जब से मैं जज बना